सो आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से देखेंगे दूसरा राजा 3 अध्याय, दूसरा राजा 3 अध्याय उसके 4 वचन से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यह ऐसा करके लिखा है कि इज़राइल का जो राजा है वो एक दूसरे राजे के साथ मोआब के राजा के साथ युद्ध करने के लिए जाना चाह रहा है। तब उसने क्या किया, 9 वचन में लिखा हुआ है, उसने 3 राजों को इकट्ठा किया, इज़राइल का राजा, यहूदा का राजा और एदोम का राजा, 3 राजे इकट्ठे किए उसने और चौथा राजा जो था मोआब का राजा था उसके ऊपर क्या करने जाते हैं, हमला करने जाते हैं, उसको जीतने जाते हैं, युद्ध के लिए जाते हैं। आज मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आप किस प्रकार दुश्मनों से विजय पा सकते हैं। आपके बहुत से दुश्मन हो सकते हैं, आपका गरीबी जो है वो आपका दुश्मन है, दुष्ट आत्मा जो आपका दुश्मन है, बीमारियां जो आपका दुश्मन है, आपके घरों में लड़ाई झगड़ा वो आपका दुश्मन है, पाप जो है आपका दुश्मन है, ऐसे बहुत से दुश्मन है, शैतान जो आपका दुश्मन है। किस प्रकार से हम विजय पाकर आशीषित हो सकते हैं, इस विषय पर हम लोग आज परमेश्वर के वचन से बात कर रहे हैं। तो लिखा है कि इज़राइल का राजा, यहूदा का राजा और एदोम का राजा, तीनों राजे इकट्ठे होकर सलाह करते हैं कि हम लोग कैसे युद्ध में जाएं, कैसे उसको जो है जीते, उस राजे को, चौथे को, दुश्मन राजा को। तब वो कहते हैं ऐसा करेंगे, हम लोग जंगल के रास्ते से जाते हैं। तो लिखा 9 वचन में, तब इज़राइल का राजा, यहूदा का राजा, एदोम का राजा चले और जब 7 दिन तक घूम कर चल चुके तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी ना मिला। वो क्या हो रहा था, वो चल रहे थे बीच कभी पहाड़ियों के इधर इधर घूम घूम कर जंगल के रास्ते से जा जाकर और वहां पर जा रहे थे। जब वहां जा रहे थे वो लोग तो क्या हो रहा, वहां पर रास्ते 7 दिन वो चलते रहे, रास्ते में पानी खत्म हो गया, कहीं भी और पानी नहीं मिला, जो उनके पास पानी था वो खत्म हो गया, पानी उनके पास नहीं था। वो एकदम रोने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे, हाय हम क्या करें, हमारे लिए पानी नहीं है। लाखों की सेना थी, इज़राइल की लाखों की सेना थी, दूसरे दो राजे थे उनकी भी लाखों की सेना थी, लाखों की सेना थी जो उनके पीछे पीछे आ रही थी, बहुत से पशु थे जो उनके साथ चल रहे थे और उनके लिए किसी के लिए भी कोई पानी नहीं था। जब पानी नहीं था तब वो रोने लगे, चिल्लाने लगे और कहने लगे क्या हम पानी के बिना जंगल में ही मर जाएंगे, क्योंकि 7 दिन अगर वो पीछे जाते अपने घरों की ओर तो 7 दिन लगते घर पहुंचने में, आगे जाते तो पता नहीं पानी मिले ना मिले, तो वो मौत के किनारे पर थे, मृत्यु के नजदीक पहुंच गए थे। उनको लग रहा था कि अब हम पानी के बिना क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, अब तो हमारा सब समाप्त हो जाएगा, अब तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा, हमारे पशु मारे जाएंगे, हमारी सेना मारी जाएगी, हम भी पानी के बिना मारे जाएंगे। तब जब वो सोचने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को वचन लिखा है, तब वो सोचकर कहने लगे क्या यहां पर कोई ऐसा है, यहां पर कोई परमेश्वर का दास है जो हमें परमेश्वर की इच्छा के बारे में बताए। तब वो जब 3 अध्याय उसका 11 वचन लिखा है, कहते यहां कोई है परमेश्वर का दास जिसे हम परमेश्वर की इच्छा को पूछ सके। उन्होंने कहा 3 अध्याय 11 वचन, परंतु योशापात ने कहा क्या यहां यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे। इज़राइल के राजा ने किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हां शापात का पुत्र अलीशा जो एलिया के हाथों को दलाया करता था वह तो यहां है। उन्होंने कहा हां है, एलिया यहां पर है जो परमेश्वर
का दास है, जो बड़ा दास था एलिया, उसका जो चेला था अलीशा, हाँ वो तो है यहां पर। तो वो क्या करते हैं, फिर उससे पूछने के लिए परमेश्वर के दास के पास जाते हैं। जब परमेश्वर के दास के पास जाते हैं, तब परमेश्वर का दास कहता है, दूसरा राजा 3 अध्याय उसका 16 वचन में परमेश्वर कहते हैं, उसने कहा इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे हो जाएं। वहां एक सूखा हुआ नाला था, बहुत लंबा चौड़ा नाला था। तो एलिया ने, एलिशा ने कहा, जो परमेश्वर का एलिया का दास था, सेवक था उसका, जो पहले चेला था एलिशा, उसने कहा इस नाले में तुम लोग क्या करो, खड्डा खोदो, गड्ढे खोदो, इस नाले में गड्ढे खोदो। तो क्या होगा, उन्होंने जब गड्ढे खोदे, परमेश्वर दास ने यह कहा था कि तुम गड्ढे खोदो, ना तो बरसात आएगी ना ही हवा से चलेगी, कुछ ऐसा होगा, क्या होगा, यह नाला पानी से अपने आप भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर दास ने जब कहा गड्ढे खोदो, परमेश्वर उनके विश्वास को देखना चाह रहा था। परमेश्वर वैसे भी पानी भर सकता था, लेकिन परमेश्वर जो थे वो उनके विश्वास को देखना चाहते थे कि ये विश्वास के साथ काम करते हैं या नहीं करते। तब उन्होंने जब गड्ढे खोदे तो क्या हुआ, 17 वचन लिखा है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मैं तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी ना वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम इसमें पीने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ, सुबह अन्नबलि चढ़ाने के समय अदोम की ओर से जल बह आया और देश जल से भर गया। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ, सुबह जब उन्होंने देखा तो पूरा नाला पानी से भरा हुआ था, जितने गड्ढे उन्होंने खोद रखे थे सारे गड्ढे जो थे वो पानी से भर गए, सारे पानी से भर गए। हालेलुया, सो परमेश्वर के लोगों, तब उन्होंने पानी उसमें से पिया, सारे पशुओं ने पिया पानी। एक नलका लगा देते तो पी नहीं सकते थे, एक चश्मा परमेश्वर बहा देते तो पी नहीं सकते थे, क्योंकि लाखों 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 सैनिक थे। तो वो पूरा नाला जो था लंबाई में था जितना भी, सारा पानी से भर गया और पानी ओवरफ्लो होने लग गया, पानी बाहर निकलने लग गया, इतना पानी भर गया और सब लोगों ने उस पानी में से पिया। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, बात यह है कि जब वो दुश्मन को जीतने के लिए जा रहे थे, जब वो दुश्मनों को जीतने के लिए सलाह कर रहे थे, राय कर रहे थे, तीनों राजा बैठकर, बड़े बड़े मंत्री बैठकर उसके आपस में सलाह कर रहे थे कि इस दुश्मन को कैसे जीते, तब उन्होंने सलाह की, ऐसा करेंगे, राय ली एक दूसरे की के जंगल के रास्ते जाएंगे, ऐसा करेंगे और हम लोग जाकर उस को जो है चौथा राजा जो दुश्मन राजा है उसको क्या कर लेंगे, हम लोग जीत लेंगे, ऐसा करके उन्होंने सोचा और अपना कदम बढ़ा दिया। उस समय उन्होंने परमेश्वर की राय नहीं ली, उस समय उन्हें कोई परमेश्वर का दास याद नहीं आया, उस समय उन्हें कोई पास्टर याद नहीं आया। जब समस्या आ गई, जब वो पानी के बिना मरने लगे, जब जान निकलने लगी, तब याद आता है कि यहां कोई है पास्टर है कोई, यहां कोई परमेश्वर का दास है, यहां कोई पास्टर है, हम उसके पास जाएं और परमेश्वर की राय लें, परमेश्वर क्या चाहते हैं उसके बारे में बात करें। सो परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, बहुत से लोग हैं जो दुश्मनों पर विजय पाने के लिए सीधा एकदम खुद ही आप ही काम करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की राय नहीं लेते, परमेश्वर के दासों की राय नहीं लेते, पास्टर लोगों से पूछते नहीं है, अपनी मर्जी से कहते हैं हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे और हमारा ये काम हो जाएगा। जब वो काम नहीं होता, जब वो काम अड़ जाता है, जब वो बीच में लटक जाता है, फिर याद आता है हमारे पास्टर के पास जाना था, पास्टर के पास चलते हैं, पास्टर जी से पूछते हैं, तब पास्टर ही याद आते हैं। इन तीनों राजाओं ने सोचा हमारे पास तो बहुत बड़ी सेना है, हमारे पास तो बहुत कुछ है, क्या फर्क पड़ता है, इतनी सेना है हमारे पास, इतने हथियार हैं, हम जाएंगे जीत जाएंगे, युद्ध में जीत जाएंगे। ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि पानी के बिना मर भी सकते हैं, ये तो सोचा नहीं था कि हो सकता वहां पानी ना मिले और मर गए फिर क्या करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने वो अपने ऊपर भरोसा रख रहे थे, वो अपनी सेना के ऊपर भरोसा रख रहे थे। और जब मुसीबत आई तो पास्टर जी याद आ गए, पास्टर जी के पास चलते हैं।
सुन परमेश्वर के लोगों, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को याद नहीं रखते, परमेश्वर के दास लोगों को याद नहीं रखते, पास्टर जी को याद नहीं करते और खुद बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं, काम करना शुरू करते हैं, खुद ही अपना कुछ कुछ सोचते हैं, फैसले लेते हैं और काम करते हैं। जब कुछ भी नहीं होता, जब अड़चन आ जाती है, जब मुसीबत आ जाती है, जब समस्या आ जाती है, जब रुकावट आ जाती है, तो तब क्या करते हैं? फिर कहते नहीं, पास्टर जी के पास चलते हैं। अगर वो पहले ही परमेश्वर के दास के पास जाते तो परमेश्वर उन्हें विजय दे देते। देखो परमेश्वर के लोगों, आपसे मैं यह कहना चाहता हूं, बहुत से लोग हैं चर्च में नहीं आते, बंदगी पर नहीं आते, पास्टर जी को ना तो अपने घर बुलाए, ना पास्टर जी के पास आए, और इस कारण कोई भी अगर बीच में रुकावट आ गई, बीच में जब समस्या आ जाती है फिर भागते हैं। और फिर कई लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं, पास्टर जी आज ही हमारे घर प्रार्थना करो, आज ही हमारे घर घर बंदगी रखनी है। हम कहते हैं नहीं, पहले टाइम दिया दूसरों को, नहीं आज ही करो, नहीं तो सुबह कर जाओ, नहीं तो शाम को कर जाओ। पहले 6 महीने साल 2 साल तक ना तो पास्टर यार, लेकिन अगर पानी खत्म हो गया, अगर मुसीबत आ गई, अगर जान पर बनाई, तो फिर कहेंगे नहीं नहीं आज ही हमारे घर आओ। परमेश्वर के लोगों, ये लोगों को क्या सोचना चाहिए था? आपको भी इस बात की ओर ध्यान देना है कि जहां इनको कैसे आशीष मिली, ये पास्टर के पास गए। आप लोग भी जब पास्टर के पास जाएं, जब पास्टर को अपने पास बुलाएं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप विजय पाना चाहते हैं, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, तो जब तो आप पास्टर के पास जाएं, जब पास्टर को अपने पास बुलाएं। बहुत से लोग हैं ना तो पास्टर के पास जाते हैं चर्च में, बंदगी पर नहीं आते, एतवार को आते हैं तो 6 महीने साल बाद जब पानी खत्म हो जाता है, जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई दुख आती है, जब पीड़ा आती है, कहते अरे चलो चलो चलते हैं पास्टर के पास, पास्टर जी के पास चलते हैं और चर्च में चलते हैं, प्रभु से पूछते हैं, परमेश्वर आप क्या चाहते हैं? आगे पीछे कोई परमेश्वर याद नहीं, आगे पीछे चर्च याद नहीं है, आगे पीछे परमेश्वर के दास याद नहीं है। जब समस्या आ जाए फिर फटाफट अभी हो जाए, अभी हमारे लिए ऐसा हो जाए, अभी हो जाए, दौड़ते हैं, फिर ढूंढते हैं, अरे यहां कोई है क्या परमेश्वर का दास, ऐसा ढूंढने लग जाते हैं, यहां कोई है क्या परमेश्वर का दास, फिर ढूंढते हैं उनको। परमेश्वर के लोगों, इससे पहले कि ये सब बातें हो, उससे पहले ही जब आप परमेश्वर के दास के पास जाएं, जहां उनको अपने पास बुलाएं। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की राय ले। सो जब इन्होंने परमेश्वर की राय ली, परमेश्वर के दास ने कहा बस तुम खड्डा खोद दो, पानी इतना भर जाएगा कि सब ऊपर तक बहने लग जाएगा बिना बरसात के। तब ऐसा हुआ, सुबह क्या हुआ, अंगबली चढ़ाने के समय अदोम की ओर से जल बह आया और देश जल से भर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब पानी भर गया, तब एक और बड़ा चमत्कार प्रभु ने किया। वो चमत्कार क्या किया? दूसरा राजा 3:22 में लिखा है। क्या हुआ? जो दुश्मन राजा थे उनको पता चल गया कि ये तो हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने सारी सेना को इकट्ठा कर लिया अपनी को और सीमा पर खड़ा कर दिया, ताकि ये लोग जो तीनों राजा जा रहे थे उनके ऊपर हमला करके जीत ना सके। तो वो सेना जो थी उनकी बाउंड्री पर खड़ी हुई थी, सीमा पर खड़ी हुई थी। तब परमेश्वर ने इतना बड़ा जबरदस्त काम किया, वो ये किया, जब वो लोग जो दुश्मन लोग थे वो सुबह उठे, जब वो सुबह उठे उन्होंने क्या देखा, 22 में लिखा है, 3:22 दूसरा राजा बिहान को जब वह उठे, उस समय सूर्य की किरणा उस जल पर ऐसी पड़ी कि मोआबियों की पगली ओर से लहू सा लाल दिखाई पड़ा। हालेलुया, हम लोग भी जब कार पे जाते हैं और जो छड़क जो होती है वो छड़क सूखी होती है, लेकिन कार पे जब हम लोग जाते हैं तो छड़क ऐसी नजर आती है जैसे पानी हो, छड़क के ऊपर पानी हो। जब पास जाते हैं तो कुछ पानी नहीं होता। आप लोगों ने कभी देखा होगा जब छड़क के ऊपर चलते हैं, गाड़ी से जा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दूर पानी है कहीं छड़क के ऊपर, लेकिन पास जाकर वो पानी नहीं होता। तो क्या हुआ, जब वो पानी बह गया सुबह, तो परमेश्वर की दया से क्या हुआ, जो सूरज की किरणें थी वो किरणें उसके ऊपर पड़ी पानी के ऊपर। तो जो दुश्मन की सेना थी, दुश्मन जो राजा था, उसको कैसी दिखाई दी वो पानी, कैसा दिखाई दिया, लहू जैसा। कैसा? लहू जैसा, उन्हें लहू जैसा दिखाई दिया। और उन्हें लगा अरे ये तीनों राजे क्या हैं,
आपस में ही एक दूसरे को काट कर क्या हो गए हैं, मर गए हैं, सारी सेना मर गई है एक दूसरे को मारकर, और इसलिए तो इतना लहू बह रहा है। हालांकि वो लहू नहीं था, वो क्या था, पानी था। तब उन्हें जब लहू दिखाई दिया तब उन्होंने कहा ऐसा करो, 23 वचन लिखा है, तो वह कहने लगे वह तो लहू होगा, निस्संदेह वह राजा एक दूसरे को मारकर नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब हे मोआबियों लूट लेने को जाओ। उन्होंने सारी सेना को भेज दिया, जाओ क्या कर रहे हो, उनकी लूट ले आओ, उनके हथियार, उनका राशन पानी, उनका सामान सब लूट कर, सोना चांदी लूट कर ले आओ, क्योंकि वो तो अपने मर गए हैं। परमेश्वर के लोगों, जब 24 वचन, और जब वे इज़राइल की छावनी के पास आए ही थे कि इज़राइली उठकर मोआबियों को मारने लगे, और वे उनके सामने से भाग गए, और वे मोआब को मारते मारते उनके देश में पहुंच गए। हालेलुया, हालेलुया। जब वो पास गए उसके, जब पास गए तो क्या हुआ, वहां तो कोई भी लहू नहीं था, वहां तो कोई आस में कोई भी उनका मरा नहीं था, तब एकदम इन्होंने उनके ऊपर हमला किया और ये जीत गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर के दास के पास नहीं जाते, सीधा युद्ध करने के लिए भी जाते, तो भी कई सैनिक इनके मारे जाते, कई लोग इनके मारे जाते, इनकी हानि होती। लेकिन जब वो परमेश्वर के दास के पास गए, उसने कहा कि ऐसा करो और परमेश्वर तुम्हें क्या देगा, विजय देगा, तो परमेश्वर उन्हें विजय दे दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों देखो, उस राजे ने 3 राजाओं की सेना इकट्ठी कर ली कि हम युद्ध जीतना है, लेकिन परमेश्वर ने उस युद्ध को कैसे जिता दिया, अपने दास के द्वारा, पास्टर जी के द्वारा। हालेलुया, जो उसने लाखों सेना, 3.5 लाख इज़राइल की सेना थी, यहूदा की सेना थी, सो 3 राजे जो थे इनकी जो सेना थी, लाखों लाखों की सेना, लाखों सेना जा रही थी युद्ध के लिए, और उस सेना से उन्होंने जो जीतने का सोच रहे थे, परमेश्वर ने आसान से तरीके से जिता दिया, और वो कैसे, परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास के पास जब वो गए तब वो जीत गए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं आपको यही संदेश देना चाह रहा हूं कि ये जो वचन परमेश्वर का लिखा हुआ है, ये आपके लिए लिखा हुआ है, हमारे लिए लिखा हुआ है, किसी और के लिए नहीं लिखा हुआ। उस समय युद्ध हुए थे, उस समय ये घटनाएं हुई थी, हमें सिखाने के लिए ये सब लिखा हुआ है, हम ये समझें। वो उन्होंने परमेश्वर के दास से नहीं पूछा, उन्होंने परमेश्वर से नहीं पूछा, उन्होंने परमेश्वर की राय नहीं ली, सीधा युद्ध के लिए जा रहे हैं और रास्ते में मरने लगे, युद्ध से पहले ही, पानी के बिना। फिर उन्हें याद आया कि हाँ, परमेश्वर का दास भी कोई है। फिर उन्हें याद आया यहां किसी परमेश्वर के दास से हम पास जाए, तब फिर परमेश्वर के दास के पास गए, और परमेश्वर के दास ने जब उनसे बात की तब परमेश्वर ने विजय दे दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आप लोग कब जाते हो परमेश्वर के दास के पास, पास्टर जी के पास आप लोग कब जाते हो, जब आपके ऊपर मुसीबत आ जाए, जब आपका पानी खत्म हो जाए, जब आपके घर का पैसा खत्म हो जाए, जब आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा हो और शांति परिवार में खत्म हो जाए, जब आपका बिजनेस फेल हो जाए, तब जाते हो। ये आपको सोचना है। जब बहुत से लोग ऐसे हैं, जब फंस जाते हैं तब जाते हैं, जब फंस जाते हैं तब जाते हैं, हाँ अब चलते हैं, अब चलते हैं, अब चलते हैं, अब करते हैं, फंस गए आप तो। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आप इस बात को समझे, आप अगर परमेश्वर के दास के पास जाते हैं, परमेश्वर को आप पहल देते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर के दासों से पूछते हैं, परमेश्वर आप कैसे हमें विजय देना चाहते हैं, परमेश्वर ऐसे फ्री में आपको विजय दे देंगे। हालेलुया, हालेलुया। इन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ा, इन्होंने बस विश्वास के साथ खड्डे खोदे, पानी से दोबारा ही इतना बड़ा चमत्कार हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप अपने जीवन में देखें, आप कब बुलाते हो परमेश्वर के दासों को, आप परमेश्वर के दासों के पास जाएं और परमेश्वर को दासों को अपने पास बुलाएं, या परमेश्वर के दासों के पास जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।